Hey guys, welcome back to our channel Bollywood Bustle. मैं विंध्या. आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. पुष्पा 2 से रश्मिका की लुक हुई लीक. रश्मिका फिलहाल पुष्पा 2 की शूटिंग कर रही है और आज उनकी शूट लोकेशन से कई पिक्स और वीडियोस वायरल हुई, जिसमें हम रश्मिका को एक रेड साड़ी में ज्वेलरी पहने हुए एक ट्रेडिशनल अंदाज में देख सकते हैं. रश्मिका ने इस सीन में सिंदूर भी पहना हुआ है और वो एक दुल्हन के रूप में नजर आ रही है. श्रीवल्ली की ये लुक काफी पसंद आ रही है ऑडियंस को. पिछले महीने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 लुक भी लीक हुई थी, जिसमें अल्लू अर्जुन भी एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में नजर आ रहे थे. ये दोनों लुक्स अल्लू अर्जुन और रश्मिका की पुष्पा 1 की लुक से तो काफी ग्रैंड है और अब इन दोनों लुक्स को देख के फैंस और भी एक्साइट हो गए हैं पुष्पा 2 के लिए. रिपोर्ट्स की माने तो पुष्पा 2 की फाइनल स्केड्यूल की शूटिंग चल रही है फिलहाल एंड शायद फिल्म की रैप जल्द ही करेंगे मेकर्स. पुष्पा 2 अगस्त 15 को रिलीज होने वाली है और अब इन दोनों वायरल लुक्स के बाद देखना होगा कि मेकर्स फिल्म की पहली झलक कब रिलीज करते हैं. धनुष ने ड्रॉप की अपने नेक्स्ट फिल्म की पोस्टर. धनुष ने आज रिलीज किया है इलैयाराजा का पहला पोस्टर. इस पोस्टर में एक यंग आदमी शहर की ओर देखते हुए नजर आ रहा है. ये म्यूजिक डायरेक्टर ईसा इग्नानी इलैयाराजा की बायोपिक होने वाली है और इस पोस्टर को शेयर करते हुए धनुष ने लिखा ऑनर्ड. इस फिल्म के बारे में एक इंटरव्यू में बात करते हुए धनुष ने कहा कि वो काफी एक्साइटेड है इस रोल के लिए एंड इनफैक्ट अगर उन्हें फ्यूचर में मौका मिला तो वो रजनीकांत सर की बायोपिक भी करना चाहेंगे. प्रियंका और निक आज गए इस खास जगह पर. अपने इंडिया ट्रिप के हर दिन प्रियंका चोपड़ा कहीं ना कहीं स्पॉट की जा रही है और आज वो और उनके पति निक जोनस अपनी बेटी मालती को लेके गए हैं अयोध्या राम मंदिर और वहां से उनकी कहीं पिक्स और वीडियोस वायरल हो रही है. कंतारा प्रीक्वल की कुछ एक्साइटिंग डिटेल्स हुई रिवील. कंतारा की फिनोमिनल सक्सेस के बाद अब ऋषभ शेट्टी फाइनली गियर अप कर रहे हैं कंतारा की प्रीक्वल के लिए. फिल्म से जुड़े एक क्लोज सोर्स ने आज रिवील किया कि ऋषभ ने ऑलरेडी अपने कैरेक्टर की प्रेप शुरू कर दी है एंड इनका ये रोल कंतारा से बहुत अलग होने वाला है. फिल्म अगले महीने फ्लोर्स पे जाने वाली है एंड इसी के चलते ऋषभ के होम टाउन में शूटिंग के लिए एक बड़ा सा सेट भी कंस्ट्रक्ट किया गया है. तृप्ति ने शेयर की भूल भुलैया 3 की कुछ डिटेल्स. रिसेंटली लैक्मे फैशन वीक अटेंड कर रही तृप्ति दिमरी ने बात की अपने अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 के बारे में और बताया कि फिल्म की कहानी बहुत फ्रेश है, ऐसा कुछ पहले कभी नहीं बनाया गया है. ऑडियंस बहुत सारा स्पूकीनेस, थ्रिल और कॉमेडी एक्सपेक्ट कर सकती है कहानी में. रिसेंटली फिल्म के डायरेक्टर ने भी एक इंटरव्यू में हिंट किया कि फिल्म में सिर्फ तृप्ति, कार्तिक और विद्या नहीं बल्कि और स्टार्स भी है, लेकिन उन्हें वक्त आने पर रिवील करेगी टीम. भागी 4 की पहली झलक रिलीज की टाइगर श्रॉफ ने. कल अमेजॉन प्राइम वालों ने भागी 4 की अनाउंसमेंट की और आज टाइगर ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म की पहली झलक शेयर की. इस वीडियो में हम टाइगर को उनके क्लासिक एक्शन हीरो स्टाइल में देख सकते हैं बेहतरीन स्टंट्स परफॉर्म करते हुए. सोर्सेस के अनुसार फिल्म अगले साल रिलीज होगी. जानवी कपूर और रामचरण ने अनाउंस की अपनी नेक्स्ट फिल्म. रिसेंटली अनाउंस किया गया था कि जानवी कपूर अब नेक्स्ट रामचरण की RC-16 में नजर आएंगी और आज राम और जानवी ट्रेडिशनल अटायर्स में इस फिल्म की लॉन्च इवेंट अटेंड करने पहुंचे. जानवी की ये साउथ इंडियन लुक काफी पसंद आ रही है लोगों को. इस फिल्म की अनाउंसमेंट जानवी के बर्थडे पर की गई थी और आज इस फिल्म की लॉन्च इवेंट पे रामचरण और जानवी को सपोर्ट करने राम की पूरी फैमिली आई. चिरंजीवी और उनकी वाइफ एंड रामचरण की वाइफ उपासना ने इस इवेंट को अटेंड किया आज. इस फिल्म के डायरेक्टर है बुच्ची बाबू सना और इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर है AR रहमान. जानवी और राम के वायरल पिक्स को आज सोशल मीडिया पे देख के लोग इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने की इच्छा जता रहे हैं. फिलहाल तो फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं होने वाली क्योंकि जानवी देवरा की शूट में बिजी है और रामचरण गेम चेंजर की शूटिंग में. दोनों ही अपने अपकमिंग फिल्म्स के साथ बिजी है. ऐसे में सूत्रों का मानना है कि शायद जानवी एंड रामचरण इस साल के अंत में RC-16 की शूटिंग शुरू करेंगे. बोनी कपूर पर लगा है 1 करोड़ चुराने का इंजाम.
जानवी एंड खुशी कपूर के पापा बोनी कपूर के खिलाफ आज एक केस रजिस्टर किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोनी कपूर ने मैदान फिल्म के लिए इक्विपमेंट सप्लाई किए हुए वेंडर को पेमेंट नहीं दी है। वेंडर को करीब 1 करोड़ रुपए देने हैं बोनी जी को, जो उन्होंने दिसंबर 2020 से नहीं भरे। रणवीर सिंह लेने वाले हैं पेटर्निटी लीव। पिछले महीने दीपिका और रणवीर ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की एंड अब जूम के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका की तरह ही रणवीर भी लेने वाले हैं फिल्मों से एक ब्रेक। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार रणवीर के पाइपलाइन में फिलहाल डॉन 3, शक्तिमान और आदित्य धर की एक्शन फिल्म है एंड तीनों ही अगले साल शूट की जाएगी। एंड इस साल रणवीर और कोई फिल्म साइन नहीं करने वाले, क्योंकि वो दीपिका और अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। डिवोर्स के बाद समंता और नागा चैतन्य पहली बार पब्लिकली स्पॉट किए गए एक साथ। समंता और नागा चैतन्य दोनों ही कल मौजूद थे अमेजॉन प्राइम की लॉन्च इवेंट पे। समंता आई थी अपने शो सिटाडेल की लॉन्च के लिए और नागा चैतन्य आए अपने सीरीज दूता की सक्सेस सेलिब्रेट करने। हालांकि इन दोनों ने स्टेज एक साथ शेयर नहीं किया, लेकिन इन दोनों को एक इवेंट पे देख के फैंस काफी क्यूरियस हो गए हैं और उनकी पिक्स आज वायरल हो रही है। भैया जी का टीजर हुआ रिलीज। पोस्टर से हलचल मचाने के बाद अब मनोज बाजपेयी की मच अवेटेड भैया जी का टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर में मनोज बाजपेयी को एक हीरोइक अंदाज में दिखाया गया है और उनके कैरेक्टर भैया जी से लोग कितना डरते हैं इसकी झलक दी गई है। मनोज सर की एक्टिंग एज ऑलवेज काफी उम्दा है, लेकिन इस फिल्म की खास बात यह है कि ये मनोज बाजपेयी की 100th फिल्म है। शाहरुख खान से मोटिवेशन ली है टीम बड़े मियां छोटे मियां ने। बड़े मियां छोटे मियां के प्रोड्यूसर वाशु बगनानी का मानना है कि बड़े मियां छोटे मियां के साथ अक्षय और टाइगर का करियर टर्न लेने वाला है। बॉलीवुड हंगामा से चैट करते हुए उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों से अक्षय और टाइगर की सारी फिल्म्स फ्लॉप हो रही है और मेरा मानना है कि वो इस फिल्म से अपना कमबैक करेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है शाहरुख खान। पठान के रिलीज के 7 साल पहले उनकी कोई पिक्चर हिट नहीं हुई, लेकिन पिछले साल उन्होंने बेहतरीन कमबैक किया है पठान और जवान के साथ। इसके बाद वाशु सर ने बताया कि कैसे बड़े मियां छोटे मियां के हर एस्पेक्ट में भगवान ने उनका साथ दिया और उनका मानना है कि रिलीज के बाद भी यही होगा। इंडियन सिनेमा के दो बड़े एक्शन हीरोज को एक साथ लाना और उन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, ये सब पुल ऑफ करना आसान नहीं था, लेकिन सब बहुत आसानी से इस फिल्म के लिए ऑन बोर्ड आ गए, कहा वाशु सर ने। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर अगले हफ्ते रिलीज होने वाला है एंड फिल्म अगले महीने। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बड़े मियां छोटे मियां हिट होगी या फ्लॉप? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। टाइगर और दिशा नजर आने वाले हैं एक मूवी में। एक्सेस टाइगर और दिशा अब यूनाइट हुए हैं एक मूवी के लिए। इस फिल्म के डायरेक्टर है जगन शक्ति, जिन्होंने मिशन मंगल को डायरेक्ट किया है। सूत्रों की माने तो इस फिल्म की कुछ शॉट्स ऑलरेडी ली गई है, लेकिन बीच में खबरें आई कि फिल्म को शेल्फ कर दिया गया है और आज इसको एड्रेस करते हुए डायरेक्टर जगन ने कहा, हम जनवरी में फ्लोर्स पर जाने वाले थे, लेकिन टाइगर दूसरी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं, इसीलिए अब हमारी फिल्म की शूटिंग जुलाई में की जाने वाली है। योद्धा बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर योद्धा लोगों को बहुत पसंद आ रही है। फिल्म वीकडेज पर भी अच्छा रन देख रही है। कल डे 5 पर फिल्म ने कलेक्ट किए 2.25 करोड़ और आज डे 6 पर अभी तक करीब 86 लाख की कलेक्शन हो चुकी है। इससे फिल्म की टोटल कलेक्शन पहुंची 22.11 करोड़ पर। बस्तर द नक्सल स्टोरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। अदा शर्मा स्टारर बस्तर द नक्सल स्टोरी बहुत बुरी तरह फेल हो रही है बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म ने कल डे 5 पर 22 लाख की कलेक्शन की है और आज अभी तक सिर्फ 10 लाख की कमाई हुई है। फिल्म की टोटल कलेक्शन है 2.57 करोड़ पर। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।